रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में तैनात दोनों देशों के फ्रंटलाइन जवानों ने बुधवार से पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू क्युआन ने दावा किया है कि पेंगोंग फो लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर तैनात दोनों देशों के सैनिकों का डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। इस बारे में चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने खबर छापी है। दावा किया है कि डिसएंगेजमेंट का आधार 24 जनवरी को मॉल्डो में हुई दोनों देशों के कोर कमांडर्स की नौवें दौर की बैठक है। सूत्र ये बताते हैं कि डिसएंगेजमेंट की ये प्रक्रिया तीन फेज में पूरी होगी। दोनों सेनाओं के टैंक और इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल्स सबसे पहले पीछे जाएंगे। बहरहाल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस पूरे मामले पर बयान देने वाले हैं, जिसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन एलएसी पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में लगे हुए हैं। चीन के माउथपीस, चीन की सेना का माउथपीस अगर यूं कहें तो ग्लोबल टाइम्स ने इस मामले में पूरी एक खबर छापी है। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे चीन का जितना भी असलहा है, जितने फ्रंटलाइन जवान हैं, वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू क्युआन का दावा है कि पेंगोंग फो लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर तैनात दोनों देशों के सैनिकों का ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि ग्लोबल टाइम्स में भी इस बाबत एक खबर पूरी छापी गई है। हालांकि जब आज रक्षा मंत्री संसद में इस मामले पर बयान देंगे तो स्थिति और स्पष्ट होगी। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है। चीन के जिस विस्तारवाद को प्रधानमंत्री ने एलएसी के करीब जाकर चुनौती दी थी, वो विस्तारवाद भारत की ताकत के सामने चूर चूर होने लगा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पिछले 9 महीनों से पूर्वी लद्दाख में भारत ने पूरी ताकत लगा दी है। लड़ाकू विमानों, टैंक और तोप का मोह चीन के अहम ठिकानों की तरफ है। चीन के एक एक सैनिक को टारगेट करने के लिए बहादुर भारतीय सिपाही लेह के हिमशिखरों पर तैनात है। हड्डी गलाने वाली माइनस टेम्परेचर वाली ठंड में भारत के इसी दबाव का असर है कि चीन अब पानी मांगने पर मजबूर है। शी जिनपिंग का कॉन्फिडेंस इतना हिल गया है कि अब चीनी सेना एलएसी से पीछे हट रही है। 9 महीने पहले जिस ड्रैगन सेना ने भारत की जमीन पर पैर रखने की हिमाकत की थी, अब वही लाल सेना पीछे हट रही है। इसका सबसे ताजा सबूत है ये तस्वीरें। पूर्वी लद्दाख में एलएसी की ये वो जगह है जहां भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आमने सामने हैं। उस तरफ चीनी सैनिकों के टेंट हैं तो इस तरफ भारतीय सैनिकों के। तस्वीर में बर्फीले मैदान में भारतीय जवान तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही नजर आ रहे हैं 5 युद्धक टैंक। एलएसी पर भारतीय सेना किस तरह लाल सेना की आंखों में आंखें डालकर लोहा ले रही है, वो इस तस्वीर से पता लगता है। इस तस्वीर में भी एक दर्रे में सैनिकों के टेंट नजर आ रहे हैं। भारत के वीर जवान जमा देने वाली ठंड में डट कर मुकाबला कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि चीन से तनाव बढ़ने के बाद भारतीय सेना ने एलएसी पर कैसे अपनी मोर्चाबंदी मजबूत की है। दुर्गम जगहों पर भी बंकर और मोर्चे बना दिए गए हैं। ये पेंगोंग सो लेक का इलाका है जिस पर चीन ने बुरी नजर डाली थी। वो इस लेक को हड़पना चाहता था, लेकिन भारतीय सैनिकों की जाबाजी ने ऐसा सबक सिखाया कि अब वो पीछे हटने को मजबूर है। पेंगोंग की तरह गलवान घाटी में भी चीनी दुस्साहस धराशायी हुआ है। न सिर्फ भारत के रणबांकुरों ने अपनी जमीन बचाई बल्कि 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोज्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है।
पिछले साल 5 मई को भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बढ़ना शुरू हुआ था। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची, जिसे भारतीय सेना के जाबाजों ने नाकाम कर दिया। दोनों देशों के बीच तनाव का चरम पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में तब आया, जब चीनी सैनिकों को कब्जा करने से रोकने में हिंसक झड़प शुरू हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के 40 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए थे। इसके बाद से दोनों देशों के करीब 1,00,000 सेना एलएसी पर तैनात है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्शन ना हो, इसके लिए हाई लेवल मिलिट्री टॉक शुरू हुई। कमांडर लेवल के 9वें दौर की बातचीत 24 जनवरी को हुई, जिसके बाद चीन ने बड़ा ऐलान किया। चीन का दावा है कि लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ 9 महीने से चल रहा टकराव खत्म हो गया है। बुधवार को दोनों ओर से फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों की एक साथ वापसी शुरू हो गई है। चीनी सैनिकों के डिसएंगेजमेंट पर चीन की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की वेबसाइट पर चाइनीज मिलिट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के सीनियर कर्नल वु क्यूआन का बयान छपा है, जिसमें लिखा गया है, चीन और भारत के बीच हुई कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी। इसके तहत 10 फरवरी से चीन और भारत के फ्रंट लाइन जवान पेंगोंग सो लेक के दक्षिणी और उत्तरी इलाके से एक साथ और व्यवस्थित रूप से पीछे हटना शुरू हो गए हैं। चीन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। चीनी सैनिकों का डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है, लेकिन भारत का रवैया क्या है, भारत चीन के इस पैतरे को कैसे तोलता है, इस बारे में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10:30 बजे राज्यसभा और शाम 5:30 बजे लोकसभा में बयान देंगे, जिसमें वो भारत का रुख साफ करेंगे। भारत शुरू से ही पीएलए पर इस बात का दबाव डाल रहा है कि वो उत्तरी पेंगोंग सो लेक पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक पीछे हट जाए। करीब 5 महीने पहले मुखपुरी, रिचिंगला और मगरहिल जैसी अहम चोटियों पर भारतीय शूरवीरों ने कब्जा कर लिया था। ये पेंगोंग सो लेक के दक्षिणी छोर के स्ट्रेटेजिक पीक्स हैं। चीन की डिमांड थी कि भारत इन चोटियों से पीछे हट जाए। अब एलएसी की इन अहम चोटियों पर क्या स्थिति है, इस बारे में आज रक्षा मंत्री दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। लेकिन चीन चीख चीख कर ये कह रहा है कि उन्होंने कल से ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने भी चीन के रक्षा मंत्रालय का हवाला देकर ट्वीट किया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, 9 राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत के बाद बुधवार से चीन और भारतीय सेना के जवानों ने दक्षिण और उत्तरी पेंगोंग सो झील से वापस लौटना शुरू कर दिया है। शी जिनपिंग ने सोचा था कि एलएसी पर चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन चीन को ये याद नहीं रहा कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत दुश्मन को न सिर्फ चेतावनी देता है, बल्कि उसे सबक भी सिखाता है।